लोकेश जैन, तो लास्ट क्लास में जनरल साइंस की क्लास को देख रहे थे और हमारा जो जनरल साइंस है जो क्लास यहाँ पे चल रहा है ये आप देखेंगे साइंस टेस्ट के रूप में चल रहा है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर हम दो क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा जो क्लास होगा ये थर्ड क्लास होगा, ठीक है, थर्ड क्लास होगा। और ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो क्लास जो चल रहा है इसमें जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत सारा जो है क्लासेस को प्रीवियस ईयर के तौर पर रेलवे का LP हो, ग्रुप डी हो, JEE हो, RPF हो, ठीक है, तमाम सारे जो है यहाँ पे क्लासेस को हम लोगों ने लिया है। तो उसके बेसिस पे हमने ये देखा प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से उठा रहा है उसी टॉपिक पे क्वेश्चन यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो ये आपका क्लास बहुत जो है अच्छा है, यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको ज़रूर यहाँ से मदद मिलेगी, ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन में इसका जो PDF है वो हम ऑलरेडी इसका फर्स्ट का और सेकेंड का दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप डाउनलोड नहीं किए जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चाहें तो डाउनलोड करके उसको रख के और कभी भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है कि यहाँ पे खाली स्थान है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में खाली स्थान है और ये कहा गया है कि के तीन या इसमें से जो विटामिन D है, B है, C है और A है, इस विटामिन के तीन सक्रिय रूप हैं, पहला है रेटिनॉल, दूसरा है रेटिनॉल, तीसरा है रेटिनाइक एसिड। तो इसमें से कौन सा विटामिन है जिसके तीन रूप है यहाँ पे, तो जो आपके तीनों रूप होंगे विटामिन ए के होंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा विटामिन हो जाएगा, विटामिन ए, ठीक है, ये आपका रूप हो जाएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनाइक एसिड। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है आपका रतौधी, ठीक है, रतौधी रोग होता है यहाँ पे विटामिन ए की कमी से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, आपको पता होगा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें, ठीक है, रासायनिक नाम केमिकल नेम, तो क्या हो जाएगा इसका, ये होता है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इसको ध्यान से इसको याद रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आगे से आपको जब भी केमिस्ट्री क्लास है इसको डिटेल में जितने विटामिन है उसको बारे में, सॉरी यहाँ पे ये बायोलॉजी का पार्ट होता है, ठीक है, तो इसको कोशिश करेंगे जो भी आपके बायोलॉजी के पार्ट में जो भी जितने भी सारे विटामिन है उसको हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, नहीं तो इसका एक क्लास विटामिन के रूप पे जो है अपना जो है एक अलग से आपको क्लासेस जो है यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका था आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ठीक है, ये पे है भारतीय सुपर कंप्यूटर, ये पर कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है और आप देखेंगे एग्जाम में आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। तो जो आपके होंगे ये कौन होंगे, विजय भटनागर, ठीक है, विजय भटनागर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इन्होंने 1991 में और 1998 में एक बनाए थे, 1991 में एक बनाए थे, 1998 में, ठीक है, इसमें जो इन्होंने बनाया था ये बनाए थे परम, ठीक है, ये परम आपको बनाए थे 8000, ठीक है, ये बनाए थे, दूसरा जो बनाए थे ये परम आपका 10000 था, ठीक है, ये आपका था, दो कंप्यूटर इन्होंने बनाया था इसमें। तो इनका जो है यहाँ पे कहा जाता है कि ये आपके जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक इनको माना जाता है, विजय भटनागर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है आपको ये क्वेश्चन जो है पहले से याद होगा, ठीक है, नहीं हो तो यहाँ पे देख लीजिए, और इस तरह क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन मिले तो आप उसको करिएगा, हम भी इसका कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश क्या करना है, यहाँ पे इसका जो है नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, जब भी इसको मौका मिलेगा तो आपको कंप्यूटर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट से लेकर क्वेश्चन तक सारा चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है कि पावर एल्कोहल, ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है कि पावर एल्कोहल होता है किसका किसका यहाँ पे मिश्रण होता है, ठीक है। तो जो आपका पावर एल्कोहल होता है ये किसका किसका मिश्रण होता है, यहाँ पे अगर पावर एल्कोहल की बात करें तो ये आपका किसका होता है, पेट्रोल का, ठीक है, ये आपका पेट्रोल और प्लस किसका होता है यहाँ पे, और एथिल एल्कोहल का होता है, ठीक है, C2H5OH, तो पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल हो जाएगा, पेट्रोल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे ऑप्शन नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि कार्बन का अपरूप नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका फ्लोरीन हो जाएगा, ये आपका कार्बन का होगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, CO2 इसका फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी आपका होगा, ये भी होगा, तो तीन आपका हीरा, ग्रेफाइड और फ्लोरीन होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका क्या होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसको पहले भी क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि वर्ग का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, वर्ग जो होता है तो यहाँ पे अगर वर्ग का पूर्ण रूप यहाँ पे लिखें बी ए आर सी, ये होता है आपका भाभा। ठीक है, भाभा ये होता है एटॉमिक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये होता है वर्ग का पूर्ण रूप। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ऑप्शन नंबर बी को, तो ये हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ऑप्शन। इसी तरह से एक और होता है एनपीसीआईएल का पूर्ण रूप। ठीक है, एनपीसीआईएल, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि एनपीसीआईएल का पूर्ण, जैसे आपको यहाँ पे बार का पूछा है उसे ये भी पूछ सकता है एनपीसीआईएल। तो ये क्या होता है, ये होता है आपको न्यूक्लियर। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर। ठीक है, न्यूक्लियर पावर, ठीक है, न्यूक्लियर पावर। ये होता है कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये होता है इसका, यहाँ पे लिखेंगे बीच में होता है ऑफ ऑफ इंडिया, इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये होता है लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल। तो ये भी आपका जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है पूर्ण रूप के रूप में, तो इसको भी यहाँ पे चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपको पूछा था बार का, तो ऑप्शन नंबर बीस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है कि एक्स का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो एक्स का पूर्ण रूप क्या होता है, ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप चाहें तो एच आई वी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगा, एच आई वी का फुल ये भी याद रख सकते हैं। एच आई वी यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन, ये होता है ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, आई डबल एम इम्यूनो डेफिशियंसी डेफिशियंसी, यहाँ पे क्या होगा वायरस हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियंसी वायरस, ये हो गया एस आई वी का पूर्ण रूप यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा पूर्ण रूप, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे ये तो एच आई वी था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा एड्स का पूर्ण रूप हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी क्यूरी को यहाँ पे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इनको दो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, एक दिया गया था 1903 ईस्वी में, ठीक है, और एक दिया गया था आपका 1911 में। ये जो आपका था ये भौतिकी के रूप में इनको दिया गया था, और ये आपका जो दिया गया था ये रासायनिक के रूप में दिया गया था। ठीक है, रासायनिक क्षेत्र में इनको दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो खोज किया था कि इसमें जो रेडियो एक्टिविटी होता है, ठीक है, इसके इनको लिए रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के खोज के लिए यहाँ पे इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरा यहाँ पे था रासायनिक में कि जो आपका रेडियम का शुद्धिकरण था और पोलोनियम की खोज के लिए इनको जो है रासायनिक क्षेत्र में दिया गया था, यानी कि यहाँ पे अगर कहें तो रेडियम जो था, ठीक है, रेडियम के शुद्धिकरण के लिए, ठीक है, रेडियम के शुद्धिकरण के लिए, और वह क्या यहाँ पे आप देखेंगे पोलोनियम की खोज के लिए, पोलोनियम जो होता है, ठीक है, पोलोनियम के खोज के लिए, ठीक है, तो इनको क्या किया गया था, रेडियम के शुद्धिकरण पोलोनियम की खोज के लिए इनको जो है यहाँ पे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, एक 1903 में, एक दो रासायनिक क्षेत्र में 1911 में दिया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छे से इसको याद रखेंगे, हो सकता है कि 1911 में ये पूछे रासायनिक क्षेत्र में किसके लिए दिया गया था, तो यहाँ पे आपका आंसर रेडियम के शुद्धिकरण पोलोनियम के खोज के लिए यहाँ पे 1911 ईस्वी में जो इनको जो है यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, भौतिकी और रासायनिक विज्ञान में इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, देखिए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, परम है। ठीक है, यहाँ पे परम जो होगा ये भारत का सुपर कंप्यूटर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन था आपका। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है CaOCl2। ठीक है, ये आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। तो कह रहा है कि किसके लिए नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें
तो आपके ब्रेड बनाने के लिए इसका नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी सब आपका कपास की ब्लीचिंग के लिए, रसायनों के ऑक्सीकरण के लिए, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए इसका उपयोग आपका होता है, जबकि ब्रेड बनाने के लिए इसका जो है उपयोग यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये होता है C++ होता है, C++, या इसको कैसे लिख सकते हैं C++। ठीक है, तो ये जो आपकी भाषा होती है C++, ये आपकी जो बनाया गया था ये 1972 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, 1972 ईस्वी में इस भाषा को बनाया गया था। ये क्या थी, उच्च स्तरीय भाषा थी। ठीक है, उच्च स्तरीय ये क्या थी आपकी भाषा यहाँ पे थी, 1972 ईस्वी में C++ बनाया गया था। ठीक है, जो पहला उच्च स्तरीय भाषा था वो कौन था, फोर्ट्रान था। ठीक है, ये था फोर्ट्रान। ठीक है, इसको कब बनाया गया था, 1957 में बनाया गया था, 1957 में ईस्वी में इसको बनाया गया था। ये पहली आपकी क्या थी, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा की ये आपकी जो है प्रोग्रामिंग थी। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो पहली थी आपकी कंप्यूटर में ये उच्च स्तरीय भाषा की पहली लैंग्वेज कौन थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्ट्रान होगा। ठीक है, 1957 में इसको बनाया गया था, और C++ का कब, 1972 में उच्च स्तरीय भाषा ये होती है। ठीक है, इसको बनाया गया था। तो ये आपका जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि किस जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है। ठीक है, किसी जंगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले जो कहा क्या जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, साइनोवियल द्रव, साइनोवियल द्रव इसको कहा जाता है। और ये कहाँ होता है, साइनोवियल गुहा के अंदर आपका पाया जाता है। यहाँ पे ये होता है साइनो, यहाँ पे वियल जो गुहा होता है, ठीक है, जो खोपड़ी का, ठीक है, साइनोवियल जो गुहा होता है उसके अंदर जो है साइनोवियल द्रव्य यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, साइनोवियल द्रव्य, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे यहाँ पे कि साइनोवियल गुहा के अंदर जो है साइनोवियल द्रव्य पाया जाता है। तो यहाँ पे दो हड्डियों के बीच पाया जाने स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं, यहाँ पे साइनोवियल द्रव, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो पांडा, सफारी, ये फायरफॉक्स, ये तो साथ सारे आपके होंगे, लेकिन पांडा जो होंगे ये आपका आंसर हो जाएगा। पांडा जो होता है ये क्या होता है आपका, एक जो है थर्ड पार्टी ये ऐप स्टोर होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी यहाँ पे ऐप स्टोर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक सर्च इंटरनेट ब्राउजर नहीं होगा, ये होगा आपका पांडा, ये थर्ड पार्टी ऐप स्टोर होता है, ऐप स्टोर जो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है आपका कि टार्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइट में, यहाँ पे देखिए प्रकाश को शक्तिशाली समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता था, कौन सा होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण यहाँ पे होता है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसको कई बार देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग में आप देखेंगे दाढ़ी बनाने के उपयोग आता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने के उपयोग में आता है। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर लोग होते हैं उनके आँख नाक कान में इसका भी उपयोग, आँख नाक कान के जो इलाज होता है उसमें भी उपयोग करने के लिए ये इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो दंत चिकित्सक में इसका काम होता है। इसके बाद से आप देखेंगे कि ये आपका हो जाएगा टार्च, सर्च लाइट में भी इसका होता है। ठीक है, टार्च सर्च लाइट जैसा कि आपको दिया गया, तो उपयोग सारा इसका जो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और वाहनों के हेडलाइट में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, हेडलाइट में, ठीक है, हेडलाइट में इसका उपयोग होता है, जैसा कि आपको दिया गया हेडलाइटों में। तो ये आपका सारे सारे अवतल दर्पण के उपयोग थे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए। ठीक है, तो प्रथम की बात कर रहा है, तो प्रथम क्या था, SLV था। ठीक है, SLV प्रथम अगर बात करें यहाँ पे तो प्रथम था, उसके बाद से क्या था, द्वितीय था, यहाँ पे द्वितीय मतलब दूसरा नंबर का, उसके बाद से तृतीय था, तीसरा नंबर का। ठीक है, उसके बाद से आपका चतुर्थ था। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका नाम है ये क्या था, देखिए यहाँ पे अगर इसको देखिए, प्रथम क्या था, SLV था। ठीक है, SLV, दूसरा था ASLV। ठीक है, तीसरा था आपका PSLV। ठीक है, और चतुर्थ क्या था, GSLV। ठीक है, तो यहाँ प्रथम क्या था, SLV यहाँ पे था, SLV 3 हो जाएगा। ठीक है, SLV 3 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, हो सकता है दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसको याद रखेंगे। प्रक्षेपण यान का जो है इसका नाम था, यहाँ पे नाम बताइए, प्रथम का ये था, दूसरा का ASLV था, तीसरे का ये पोलर वाला था, ध्रुव वाला था। ठीक है, ये इक्वेटोरियल का था, ये आपका GSLV था,
जो आपका चतुर्थ नाम जो चतुर्थ नंबर का था, ठीक है, तो इसका नाम था GSLV। तो ये कुछ यहाँ पे प्रक्षेपण यान का नाम था, इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। क्लास में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका PDF जो है आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।